खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मौजूद हैं वरुद्धा से जेजेपी के प्रत्याशी रहे भूपेंद्र मलिक, उनसे हम जानते हैं कहीं ना कहीं एक समस्या जो किसानों के को गेहूँ बेचने में आ रही थी, आढ़तियों की भी कोई समस्या थी, आप लोग आढ़तियों से बात की है तो क्या व्यवस्था की गई? देखिए कि भ्रम की स्थिति जो पैदा की थी कि किसान 24 घंटे पहले मैसेज जाएगा उसके बाद गेहूँ लेके आएगा, इस तरह का अब सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है। किसान अपना सारा गेहूँ एक साथ ला सकता है, ना कोई इस तरह की कंडीशन है कि कितना गेहूँ एक समय में लेके आए। ये तमाम जो बाधाएं थी अब सरकार ने दूर कर दी हैं और किसान अपना गेहूँ एक साथ ला सकता है, जितना मर्जी गेहूँ ला सकता है मंडी में, और ख़रीद में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की तरफ से पुख्ता इंजाम है और इस तरह का कोई वो नहीं है कि कोई सरकार की तरफ से प्रबंधों में कोताही है या खरीद में कोई कमी है, और ना कोई इस तरह का कि भाई कोई सरकार के तरफ से ढील है कि कोई भाई मैसेज या इस तरह। किसान जितना मर्जी गेहूँ जब चाहे अपना ला सकता है। ये तमाम बाधाएं जो प्रशासन के स्तर पे थी वो दूर की जा चुकी है। अभी आपकी आढ़तियों से भी बात हुई थी, जेजेपी नेताओं की, आप भी उसमें शामिल थे और एसडीएम साहब भी गोहाना की मंडी में अभी आए हुए थे, तो उनकी क्या समस्या थी, किस प्रकार आप लोगों ने एसडीएम साहब के सामने उनकी समस्या को रखा, क्या उम्मीद है, क्या समाधान? देखिए जो आज कोरोना महामारी के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए, जो मंडियों में गैदरिंग नहीं होने देने के लिए, जो आज एक ये टेम्परेरी जो व्यवस्था बनाने के लिए, ये जो कोरोना महामारी से बचने के लिए, इनके बारे में जो समस्याएं थी उनके लिए आढ़तियों को भी समझाया गया है और एसडीएम साहब ने भी दिशा निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए काम सुचारू किया जाए। और जो आढ़तियों की समस्याएं हैं ई ट्रेडिंग को लेकर, ये सरकार के स्तर पर उनका फैसला होगा, जैसे वो हो जाएगा। जो प्रदेश स्तर की बातें हैं, ये जो स्थानीय लेवल की जो बातें थी मीटिंग की, आढ़तियों से इस तरह का कोई गतिरोध नहीं है इसमें। जो आज इनका यूनियन की मीटिंग होगी वो सरकार के स्तर पर लिया जाएगा फैसला। अब जो यहाँ की जो समस्याएं थी वो तकरीबन सभी समस्याएं हल हो चुकी हैं, और अगर फिर भी कोई आढ़तियों की या किसानों की समस्याएं हैं तो प्रशासन उसके लिए हर समय मुस्तैद है और उनकी समस्याएं सुनने के लिए अधिकारी यहाँ हर समय मौजूद हैं। ये थे हमारे साथ जेजेपी के वरुद्धा से प्रत्याशी रहे भूपेंद्र मलिक, जिन्होंने बताया कि आढ़तियों की जो भी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, जो लोकल समस्याएं हैं उनको खुद एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने आके मौके पर समाधान की बात की है। केएनएन मीडिया के लिए गोहाना की नई अनाज मंडी से अमित सबरवाल के साथ रुणधुन की रिपोर्ट।